गुड मॉर्निंग यार। आज रात को सोया था, ये टेंट का जो ऊपर वाला कवर है ना जो बारिश से बचाती है, वो मैंने लगाया नहीं। मैं ऐसे ही सो गया, और क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही सोता था रात को। भाई ठंड जो लगी थी, मैं ये वाला जो पतला वाला चादर था ये लेके आया था, तो ये निकाला रात को 3-4 बजे निकाल के, ये ओढ़ के तब सोया। ठंड अभी मैं कश्मीर से 2-3 किलोमीटर बाहर हूँ, कश्मीर के मतलब जो कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसके बाहर हूँ, जम्मू से 100 किलोमीटर दूर हूँ। तो अभी से इतनी ठंड है, वहाँ जाके क्या हालत होगा। मैं ये फुल टी शर्ट पहन लिया, नींद बहुत जल्दी आ गई थी। जैसे गर्मी में कमी नींद आती, ठंडी में ज़्यादा आती है यार। चादर ओढ़ लिया, बिल्कुल मस्त मस्त सोया। इधर भी मेरे पीछे एक कैनाल है, बहुत ही खूबसूरत है, और पानी भी इसका बहुत साफ़ है। चारों तरफ टेंट में बिल्कुल सामान ही सामान फैला दिया है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं सब कुछ समेटूंगा। एक्चुअली 5:30 बज रहे हैं, 5 तब बजा था, अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:30 बज रहे हैं। सब सामान समेटूंगा उसके बाद फिर निकलेंगे। कैंप अभी मैंने समेट लिया है, बस कपड़े समेटने बाकी है। रात को जो कपड़े धोए थे शाम को, कल सारे गीले पड़े हैं। गीला कपड़ा आया, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लग रहा था सूख जाएगा, लेकिन यहाँ तो ठंड वाला मौसम है, नहीं सूखा। एक एक करके एक टी शर्ट और वो करके बैग के पीछे इधर लटका दूंगा, चलते चलते सूख जाएगा। देखो मैं रुका किधर था, ये हाईवे, ये है कन्याकुमारी टू कश्मीर वाला हाईवे, ठीक। और यहाँ इस वाले जगह पे मैं अपना टेंट लगाया था, और ये है बाबा जी का दरगाह, और ये है माता की स्टेच्यू। मतलब इधर हिंदुइज्म, इधर इस्लामिक, काफ़ी क्लोज। ये कल्चर भाई अपने इंडिया का। हाँ, आई एम बैक ऑन द टॉपिक। ठंड लग रही है भाई, अलग ही माहौल जमा पड़ा है। मैं कश्मीर पहुंचा ही नहीं, 2-3 किलोमीटर बाकी है पाजी, मैनू ठंड लग रही है, मैनू जाना ही नहीं है पाजी। ये है बाबा जी का मज़ार। रात को जब इस रास्ते से ऐसे होके मैं यहाँ आया था तो पानी ज़्यादा था नहीं, अब पता नहीं पानी बढ़ने लगा है यार, बहुत ज़्यादा भर गया। वहाँ तक जा सकता था मैं, वहाँ तक पानी नहीं था, मतलब 2 से 2.5 फीट पानी बढ़ा है। ओह बहुत ठंडी है भाई, स्लिप हो गया ना सब जाएगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। बहुत ही ठंडी पानी है। भाई ये है बिराज, फाटक खुला हुआ है अभी। रोड में जो चल रहा था ना काफी गर्मी थी, लेकिन यहाँ जो है ना इस लेवल तक ठंडी है, मतलब पानी का कोल्डनेस पूरा फैल रहा है आसपास। ये हो भैया बिराज। चलो यार चलते हैं, इसमें फोन गिरना चाहिए बस, और मैं भी आराम से आराम से। ये धुआं धुआं से दिख रहा है, ये धुआं नहीं है। जम्मू 90 किलोमीटर बट द फर्स्ट वो पहाड़ ब्रो, शायद दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Officially, JNK mein enter ho chuke hain abhi. Ab पहाड़ों में हालत जो खराब हो रही है ना, सामान लेकर ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है यार। लिफ्ट मिलना काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। 2-3 लोकल्स का जाम मैंने अभी ब्रेकफास्ट करा, और करते हुए
और हिचहाइक करते हुए एक दो बंदे ने देखा तो वो कह रहा है कि इस रोड में हिचहाइक करना बहुत ही हार्ड है, इतना इजी है नहीं जी, और इजी लिफ्ट मिलेगा नहीं, लिफ्ट को देता नहीं है। तो आई थिंक चैलेंजिंग होने वाला है, हिचहाइकिंग नहीं तो पैदल ही चलेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना तो पूरा फुल एडवेंचर ही है। कश्मीर मेरे लिए बहुत अनलक सा रहा हिचहाइकिंग के लिए यार, लिफ्ट नहीं मिल रही यार बिल्कुल। एक तो मिलिट्री की गाड़ियाँ आ रही है, टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ आ रही है, कमर्शियल गाड़ी बहुत कम आ रही है, प्राइवेट गाड़ी आ रही है, प्राइवेट कार में तो इंडिया में बिठाने का रिवाज नहीं है, तो लिफ्ट के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। बाइक्स में लिफ्ट मिल रही है छोटी छोटी दूरों के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो टाइम लग जाएगा। जम्मू से ज़्यादा डिस्टेंस में है नहीं, अप्रोक्स 70 किलोमीटर, 2.5-3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए अगर लिफ्ट मिल गया तो। वैसे मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, मॉर्निंग इन द सेंस कि 10:30 बज रहा है, 10:30। मैं सोच रहा था यार श्रीनगर, जम्मू पहुँचने के बाद श्रीनगर के लिए निकल जाऊँ जल्दी, एक दिन पठानकोट में रुक गया, डायरेक्ट जम्मू जाने वाला था क्योंकि लिफ्ट मिल नहीं रही थी। अब मैं सोचा था कि पठानकोट से डायरेक्ट श्रीनगर जाऊँगा, लेकिन अब शायद जम्मू में रुकना पड़ जाए, लिफ्ट नहीं मिलती। चलो खैर, बैक टू द रोड, ट्राई करते हैं फिर से। अरे पाजी कोई लिफ्ट करा दे, कोई मैनू उठा ले। आज यार यूपी से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, फर्स्ट डे यूपी में मैं 2.5 घंटे मैक्स वेट करा था, आज मैं सुबह 7 बजे निकलाऊंगा, अभी 11 बजे है, मुश्किल से 20 किलोमीटर आया हूँ। लिफ्ट तो बहुत दिक्कत हो गई, पैदल ही निकला तो पता नहीं लौटने को देखे यार एनर्जी रिफिल हो गया यार, मैं 2 घंटे से परेशान हो रहा था लेकिन बातचीत करके पता एनर्जी रिफिल हो गया। बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा मर रही है इतनी गर्मी में, पीछे तो और था लाइन से 15-20 बटरफ्लाइज मरे हुए देखे मैंने फिर से एक। जम्मू कितना किलोमीटर है भाई? 60। अच्छा 60 किलोमीटर रह गया, आई थिंक 20-25 किलोमीटर हमने कवर करा है अब तक, और कितने बजे रहता है 12 के आसपास हो रहा है। स्पीड काफ़ी स्लो है लेकिन कोई नहीं, रास्ते में इंटरेस्टिंग पीपल मिल रहा है, कोई नहीं कवर कर लेंगे अपन। यहीं से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट मांगना, उसके बाद जो होगा देखा जाए। कंधा यार काफ़ी सोचा था जम्मू जाके गोरा हो जाऊंगा, शायद धूप से काला हो गया। रास्ते में अपने में पार्क पहले चंदर जाएंगे, बाकी बात बाद में।
भाई श्रीनगर के लिए इधर ही वाला रास्ता है क्या? हाँ। और जम्मू के लिए इंटर करना पड़ेगा इधर? हाँ इंटर करना पड़ेगा। और श्रीनगर के लिए कट जाना पड़ेगा? नहीं नहीं वो जम्मू से कट करना पड़ेगा। अच्छा सिटी के अंदर से? हाँ। और वो नेट नहीं चलता यार इधर? कौन सी सिम है? एयरटेल चलता है। पोस्ट पेड करवाई है? पोस्ट यार फुल चलता है, मेरी भी एयरटेल की है। चल रहा है? हाँ फुल चल रहा है। पता नहीं मेरा पता नहीं क्या सीन है, एयरटेल का चल नहीं रहा नेट, बाकी सबका चल रहा है भाई। सिम का भाई चक्कर बता रहे हैं, कौन क्या होगा प्रीपेड क्या सब बताओ थोड़ा सा। मतलब पोस्ट पेड सिम लेना होगा यहाँ पे? हमारे वहाँ का जो सिम है वहाँ वो यहाँ नहीं चलेगा। मेरा पूरा सिस्टम बंद हो गया, नेट बंद हो गया और कॉलिंग भी बंद है। यहाँ के लिए कोई एक्स्ट्रा सिम लेना पड़ेगा, जो भाई बता रहे हैं कि जो सिर्फ वोटर आईडी से ही निकलता है। मेरे पास वोटर आईडी भी नहीं है। जम्मू या फिर मेरे को श्रीनगर में हॉस्टल लेना होगा, फिर वहाँ से वाईफाई एक्सेस करेंगे। फिर काफ़ी टाइम है कनेक्टिविटी खत्म हो मुझे लिटरली पता नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे अगर आप वोटर आईडी लाते ना, वोटर आईडी कहाँ बना? आधार कार्ड है। We haven't played, no, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways. थोड़ी थोड़ी हमारी ऐसी होगी, थोड़ी थोड़ी पंजाबी होगी, कुछ हिंदी बोलेंगे। अपने एज के लौंडे मिल जाते हैं ना फिर मज़ा ही आ जाता है यार, बहुत हेल्पफुल होते हैं। पता है मैं जब लिफ्ट मांग रहा होता हूँ, बस वाले दूर से देख रहे होते हैं, कह रहे यहाँ रोकना है रोकना है, मेरे पास आके स्लो कर देता है। फिर मैं बोर्ड जो दिखता है ना, फिर सोचते होंगे अबे ये तो गरीब लोग हैं। फिर स्लो करके फिर निकल जाता है वो। हालत घड़ा खड़ा हो रखी है जे एन के में। 3 बजने को है अपने को लिफ्ट, 3 बजने को है और 50 किलोमीटर भी अपन कवर नहीं किया। बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। लिफ्ट नहीं की बराबर मिल रही है, मतलब लिफ्ट मिल रही है कि छोटी दूर की लिफ्ट मिल रही है, बड़े दूर पे मिल नहीं रही है। इन वादियों में लिफ्ट नहीं मिल रहा है, इन वादियों में बौखला गए हम। अटल प्रतीक्षालय में अनंत समय के लिए बैठे रहेंगे। ये पूरा का पूरा बस स्टॉप मेरा है, सिर्फ मेरा ही मेरा सामान फैला दिया है पूरी तरीके से। शूज उधर, सॉक्स उधर, एक बैग इधर, वाटर बोतल इधर, मतलब पूरा का पूरा स्टेशन अपने कब्जे में। और इधर मैं सो रहा हूँ यहीं यार, लेटे लेटे ना आँख लग गई थी मेरी, आधा घंटा में सो लिया, सामान उमान ऐसे ही फैला के सो गया। कुछ बन अचानक से अचानक ये पाया ना, हाँ कैसे बनी क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। Turn us to thousands and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands.